नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मूल्यांकन का भाग दो, इवेल्युएशन पार्ट टू। हमने जो पहले पार्ट्स में हमने पढ़ा था कि मूल्यांकन क्या है, इसके हमने डेफिनेशंस को जाना था और साथ साथ हमने पढ़ा था पर्पज़ ऑफ इवेल्युएशन, इवेल्युएशन के उद्देश्य क्या है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मूल्यांकन के लक्षण क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवेल्युएशन और साथ ही साथ प्रोसेस, मेथड्स, टेक्निक, उन सभी के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो लोग नए हैं चैनल पर वो वीडियो के प्लेलिस्ट सेक्शन में अगर जाएंगे तो वहाँ पर सभी को आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएंगी और आप सभी वीडियोस को, अभी तक के जो भी अपलोडेड वीडियोस हैं सभी को आप देख सकते हैं और अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे मूल्यांकन के लक्षण क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, इवेल्युएशन की विशेषताएं क्या क्या हैं। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कभी कभी डायरेक्टली दिख जाती है और कभी कभी इनडायरेक्टली दिख जाती है, क्योंकि मूल्यांकन में हम सिर्फ मेजरमेंट्स नहीं कर रहे हैं टेस्ट के द्वारा, हम साथ साथ उसके क्वालिटीज़ को भी देख रहे हैं बच्चों की। तो वो हम पढ़ाते समय टीचिंग प्रोसेस के दौरान कभी भी कर सकते हैं, हम कभी भी बच्चों को देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या गुण हैं बच्चा, क्या क्या गुण हैं बच्चे में, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। मूल्यांकन बच्चे की कक्षा में स्थिति और से अधिक उस वृद्धि के बारे में सोचता है जो छात्र ने प्राप्त की है। मूल्यांकन क्या है, जो कक्षा में अभी स्थिति है उसकी, जब बच्चा कोई एडमिशन लेता है, जब बच्चा कोई क्लास में स्टार्ट करता है क्लास को, उससे पहले जो उसकी कंडीशन है, जो उसकी प्रेजेंट स्टेटस है बच्चे का, और कुछ चीज़ पढ़ाने के बाद जो उसका स्टेटस है, उसमें जो बिहेवियर में चेंज होता है, जो वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, उसको मेजर करने के लिए हम इवेल्युएशन का प्रयोग करते हैं। मूल्यांकन वर्णात्मक होने के साथ साथ गुणात्मक भी है, मात्रात्मक भी है, गुणात्मक भी है, क्वालिटेटिव भी है और डिस्क्रिप्टिव भी है। मूल्यांकन के छात्र में व्यवहार पर साक्ष्य एकत्रित करने के सभी साधन शामिल है। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम बच्चे के व्यवहार पर सभी तथ्यों को हम इकट्ठा कर सकते हैं, हम हर तरह से जान सकते हैं कि बच्चा किस तरह का है, उसका गुण क्या क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, उसका पूरी तरह से हम इवेल्युएशन कर सकते हैं, ठीक है। मूल्यांकन छात्रों, शिक्षकों, माता पिता को शामिल करने वाली एक सहक्रिय प्रक्रिया है। मूल्यांकन में स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स, अभिभावक, गार्जियंस, तीनों ही शामिल होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं मूल्यांकन की पद्धति, मेथड ऑफ इवेल्युएशन। इवेल्युएशन करने के दो मेथड हमारे पास होते हैं, एक तो मानक संदर्भित मूल्यांकन और एक होता है हमारा मानदंड संदर्भित मूल्यांकन। मानक संदर्भित मूल्यांकन यानी कि नॉर्म रेफरेंस्ड इवेल्युएशन, हम सभी के माइंड में पहले से ही कोई ना कोई नॉर्म्स होते हैं, कोई ना कोई मानक होते हैं, उसी के बेसिस पर अगर हम इनडायरेक्टली किसी को मेजर कर रहे हैं, किसी का इवेल्युएशन कर रहे हैं, तो वो हमारा होगा मानक संदर्भित मूल्यांकन। जैसे हमारे माइंड में एक औसत छात्र के, एक एवरेज स्टूडेंट्स की नॉर्म्स होते हैं कि एक एवरेज स्टूडेंट क्या होना चाहिए। अगर बच्चे के 10 में से 7 नंबर आ रहे हैं तो वो एक एवरेज स्टूडेंट है, ये हमारे पास पहले से नॉर्म्स है, ठीक है। अगर बच्चे को हम सिखा रहे हैं कुछ और वो नेक्स्ट डे पढ़कर आ रहा है और थोड़ा बहुत कुछ सीख कर आ रहा है, तो वो एवरेज है, वो हमारे पहले से माइंड में रहता है एक नॉर्म्स। अगर हम उसके बेसिस पर किसी बच्चे को जज कर रहे हैं, किसी बच्चे को इवेल्युएट कर रहे हैं, तो ये होगा हमारा नॉन रिफरेंस्ड इवेल्युएशन। हमने इसमें कोई पैमाना यूज नहीं किया, सिर्फ पहले से जो हमारे माइंड में नॉर्म्स है उनके बेसिस पर हमने उसको अच्छा या बुरा बता दिया, ठीक है। मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, क्राइटेरिया रेफरेंस्ड इवेल्युएशन, इसमें हमारा क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया के बेस्ड पर हम किसी को इवेल्युएट करते हैं, किसी को कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। हमारे पास पूर्व निर्धारित, पहले से ही निर्धारित मानक होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं, जिनके बेसिस पर हम किसी बच्चे को अच्छा या बुरा कहते हैं। जैसे कि हम, जैसे एग्जाम में आपने देखा होगा कि अगर 60% से ऊपर है तो उसकी फर्स्ट डिविजन है, ठीक है। तो ये पहले से एक क्राइटेरिया है कि 60% से ऊपर लाने वाले स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास है, उनकी जो पोजीशन है वो फर्स्ट है, ठीक है। तो ये पहले से क्राइटेरिया है। अगर हम एवरेज नॉर्मल देखें, अगर किसी के बच्चे 70% है, आज की कंडीशन में अगर हम 10th 12th के बोर्ड के एग्जाम्स देखें तो 70% अगर कोई बच्चा आ रहा है तो हम उसको कहेंगे एवरेज है, क्यों, क्योंकि और बाकी सभी के जो नॉर्म्स हमारे माइंड में पहले से ही हैं उनके बेसिस पर, क्योंकि आजकल जो 70% लाना नॉर्मल बात हो गई है, ठीक है। तो हम उसको कहेंगे कि हाँ एवरेज है। अगर 80-90% है तो हम उसको कहेंगे हाँ अच्छा है पढ़ाई में।
आगे चलते हैं, हम देखते हैं मूल्यांकन की प्रक्रिया, प्रोसेस इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन की प्रक्रिया क्या क्या, प्रक्रिया में क्या क्या स्टेप्स आते हैं, किस तरह से हम इवैल्यूएशन करते हैं। सबसे पहला स्टेप होगा उद्देश्यों का चयन और गठन करना, सिलेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। हम सबसे पहले उद्देश्यों को चयन करेंगे कि हमें इवैल्यूएशन किस लिए करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस इवैल्यूएशन को करने के लिए। एक तो है कि हमें सिर्फ ये बताना है कि बच्चा अच्छा है या बुरा है, अपने माइंड में परसेप्शन बिठाना है, और एक है कि हमें इसको नेक्स्ट क्लास में वो करना है, प्रमोट करना है। जैसे बच्चे की क्लास कंप्लीट हो गई, बच्चे को फिफ्थ क्लास है, फिफ्थ क्लास में उसको कंप्लीट हो गई, हमें उसको सिक्स्थ क्लास में प्रमोट करना है, उसको प्रमोट करने के लिए हम इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो हमारा इवैल्यूएशन के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, उसका सबसे पहले हम चयन करेंगे। नेक्स्ट है व्यवहार परिवर्तन के संदर्भ में उद्देश्यों को परिभाषित करेंगे, डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स इन टर्म्स ऑफ बिहेवियरल चेंज। हमने जो ऑब्जेक्टिव किया लिया कि हाँ, मान लीजिए हमने ऑब्जेक्टिव लिया कि बच्चे को एक क्लास से दूसरे क्लास में प्रमोट करना है, फिफ्थ क्लास में कोई बच्चा है उसे सिक्स्थ क्लास में प्रमोट करना है, इसके लिए हम इवैल्यूएशन करेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव तो निर्धारित हो गया कि बच्चे को प्रमोट करना है। नेक्स्ट स्टेप में हम चलेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको बिहेवियरल टर्म्स में हम उसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। डिफाइन करेंगे हम ऑब्जेक्टिव्स को किस टर्म में, बिहेवियरल चेंज में, कि अगर बच्चे ने ये उद्देश्य करा होगा, ऑब्जेक्टिव प्राप्त कर लिया होगा कि वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होने के लायक है, तो उसके बिहेवियर में क्या चेंज होने चाहिए। यहाँ पर बिहेवियर में चेंज होने से मतलब होता है कि बच्चे ने कितना सीखा है, ठीक है। साथ में आपने देखा होगा कि रिपोर्ट कार्ड पर बच्चे की वो भी लिखी होती है कि बच्चे का कैरेक्टर कैसा है, पूरे क्लास में उसका चरित्र अच्छा रहा, उसका प्रदर्शन अच्छा रहा, कैसा रहा। साथ में अगर आपने देखा होगा रिपोर्ट कार्ड में प्रदर्शन भी लिखा होता है बच्चे का, मार्क्स के साथ साथ प्रदर्शन भी रहता है कि पूरे साल उसका प्रदर्शन कैसा रहा, अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, उत्तम रहा या नॉर्मल रहा, कैसा रहा, तो उसको भी हम लिखते हैं, ठीक है। बिहेवियरल टर्म में कि उसके बच्चे का क्या परिवर्तन आ जाएगा जो हम मान लें कि हाँ इसने ऑब्जेक्टिव को कर लिया और हम इसको प्रमोट कर दें, डिफाइन करेंगे उसको। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन के उपकरण और तकनीक का चयन करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे कि हमें इसको इवैल्यूएट करना है तो कौन सा टेक्निक अपनाएं, किस तरीके से हम इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं, किस टूल से हम इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं, तो टूल और टेक्निक्स को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट उपकरण और तकनीकों का उपयोग और परिणाम बनाना, हमने सिलेक्ट कर लिया टूल्स टेक्निक सिलेक्ट कर लिया, अब हम उनको टेक्निक्स को यूज़ करेंगे इवैल्यूएशन के लिए और अपना रिजल्ट्स बनाएंगे। हमने सबसे पहले क्या किया, ऑब्जेक्टिव किया, ऑब्जेक्टिव का सिलेक्शन किया कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इवैल्यूएशन लेने के पीछे, ऑब्जेक्टिव को बिहेवियरल चेंज में कन्वर्ट किया, बिहेवियरल चेंज के टर्म्स में डिफाइन किया, ठीक है। फिर हमने ये सोचा कि हम किस टूल का यूज़ करें, किस मेथड का यूज़ करें, किस टेक्निक का यूज़ करें किसी को इवैल्यूएट करने के लिए। हमने उन जो मेथड्स को सिलेक्ट किया, जो टेक्निक्स को सिलेक्ट किया, उनको फिर अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होगा व्याख्या और परिणामों का सामान्यकरण, जो हमारे पास रिजल्ट आया उसको हम जनरलाइज करके देखेंगे। रिजल्ट एक बच्चे का आया उसको हम नॉर्मल सभी बच्चों में जनरलाइज करेंगे, ठीक है। देखिए अगर बच्चे के 70% मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो अगर सिर्फ उसे उसके बेसिस पर देखेंगे तो बहुत अच्छा है, बच्चा पढ़ाई में एवरेज है, लेकिन जहाँ हम जनरलाइज कर देंगे कि सभी बच्चों को जनरलाइज करें, नॉर्मल करें, तो वो 70% एक नॉर्मल के उसमें आएंगे। आज के उसमें अगर हम 10th 12th के बेसिस पर देखते हैं तो 70% नॉर्मल आएंगे, क्योंकि सभी बच्चों के 70% आ रहे हैं, एक एवरेज हो गया है हमारा 70%, ठीक है। तो हमें जनरलाइज करना होगा हमारा जो भी रिजल्ट है सभी के लिए। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधारों के लिए परिणाम की प्रतिक्रिया देना, यानी जो हमारे पास रिजल्ट आ गया उसको हमने जनरलाइज भी कर दिया, अब हम उस रिजल्ट के बेसिस पर अपने फीडबैक्स देंगे, ठीक है, ताकि बच्चे का रिजल्ट इम्प्रूव हो सके और उसकी जो टीचर लर्निंग प्रोसेस है वो इम्प्रूव हो सके, और अगर हमें उसको प्रमोट करना होगा तो हम प्रमोट कर देंगे, और बच्चा अगर प्रमोट करने लायक एबल नहीं होगा तो हम उसको प्रमोट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे स्टेप्स किसके लिए, मूल्यांकन के, इवैल्यूएशन के प्रोसेस के, जो हमारे स्टेप वाइज स्टेप थे, हमारे 6 स्टेप हो जाते हैं इसमें। आगे नेक्स्ट हम चलते हैं मूल्यांकन की तकनीक, टेक्निक्स कौन सी होती है इवैल्यूएशन की, नॉर्मल टेक्निक्स कौन सी होती है। कुछ तो होती है क्वालिटेटिव टेक्निक्स, जो हम क्वालिटीज़ मेजर करने के लिए, क्वालिटीज़ को देखने के लिए अगर हम कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो वो तो है हमारे क्वालिटेटिव टेक्निक्स। अगर हम किसी का क्वांटिटेटिव या न्यूमरिकल मेजरमेंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो हो गई हमारी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। अब कौन कौन सी होती है,
क्वालिटेटिव गुणात्मक तकनीक की बात करें तो हमारा होता है ऑब्जर्वेशन। हम बच्चे को ऑब्जर्व करते रहते हैं पूरे साल, कोई टीचर तो होता है पूरे साल पढ़ाता है, पूरे साल बच्चों को ऑब्जर्व करता है तो उसके द्वारा भी वो बता सकता है कि बच्चे का बिहेवियर कैसा है। नेक्स्ट है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, चेकलिस्ट, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। इंटरव्यू में हम जान सकते हैं कि सामने वाले का व्यवहार कैसा है। संचयी अभिलेख, कम्युलेटिव रिकॉर्ड, पर्सनावली क्वेश्चनरी, रेटिंग स्केल्स, रेटिंग पैमाने। तो ये टेक्निक्स तो है क्वालिटीज मेजर करने के लिए। क्वांटिटी मेजर करने के लिए अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, प्रयोगात्मक परीक्षाएं, मौखिक परीक्षाएं, ओरल एग्जामिनेशन, लिखित परीक्षाएं, रिटन एग्जामिनेशन। रिटन में भी दो तरह की परीक्षाएं होती है, एक तो होती है हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जिसमें हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, 4 ऑप्शंस आ जाते हैं, हमें सिर्फ सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट होता है निबंधात्मक प्रश्न एसे टाइप एग्जामिनेशन, ये कह सकते हैं हम डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, ठीक है, उसमें हमें पूरा लिखना होता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे, और अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपने फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मूल्यांकन के प्रकार, टाइप्स ऑफ असेसमेंट या इवेल्यूएशन। हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, समेटिव असेसमेंट होता है, पोर्टफोलियो असेसमेंट होता है। हम इन तीनों के बारे में डिटेल्स से पढ़ेंगे, साथ साथ कंपैरिजन भी करेंगे कि तीनों में क्या क्या डिफरेंस है। ये हमारा इवेल्यूएशन का लास्ट टॉपिक होगा जो कि हमारे नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में, कल की वीडियोज़ में कंप्लीट हो जाएगा हमारा इवेल्यूएशन का टॉपिक। जिस जिसको ये टॉपिक अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सभी वीडियोज़ के जो भी हमारे अपलोडेड वीडियोज़ है, सभी वीडियोज़ के PDF को पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी PDFs आपको वीडियो अपलोडेड होने के 1 या 2 दिन के अंदर अंदर मिल जाती हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।